घर चाहिए आईआईटी का पास, घर चाहिए आईआईटी का पास। हर रोज करो प्रयास, हर रोज करो प्रयास, हर रोज करो अभ्यास। मौका दे रहा आपको क्रिएटिव, हर रोज एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। हर क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट की बात कर रहा है, जो एडवांस में जस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट ईयर की बात करूं, 7-8 क्वेश्चन जस्ट टैलीड सिमिलर, ओके, ऑन इन आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशन। मेरी कोशिश है 100 क्वेश्चन के कंसेप्ट से लगभग आपका 10 क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में मिलता जुलता रहे, ताकि आपको प्राउड फील हो और एक कॉन्फिडेंस फील हो, अब आपको एक कूल फील हो कि नहीं यार, हमने उस समय यूट्यूब पे या डिफरेंट चैनल के माध्यम से 100 डेज 100 क्वेश्चन देखा था और उसका फायदा मुझे मिला। तो मेरी कोशिश है, मैं बार बार आपको अवेयर करता रहूंगा, मेरी कोशिश है आपको जगाता रहूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जागते हो या नहीं। आपको चाहिए आईआईटी का पास, तो फिर करो रोज अभ्यास, ओके। तो सिंपल सी बात, एक कहावत में मैं कहूंगा, ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभाई दिया था। तो बेटा रोज कहूंगा मैं आपको, हर रोज करो अभ्यास। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने आज का सवाल आपके साथ। क्वेश्चन में देखें क्या करेंगे आप, मल्टीपल कंसेप्ट की बात कहा, जहाँ देखिए जरा इसको चेक करें, मल्टीपल कंसेप्ट कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहला काम, ये मल्टीपल कंसेप्ट यहाँ पे अपने पास है, यहाँ क्या अपने पास, यहाँ पे ITF लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पे अपने पास ITF दिख रहा है भाई, यहाँ पे अपने पास ITF दिख रहा है। इसको मैं लिखता हूँ ITF, ओके, राइट। इसकी बात करोगे, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया कॉनिक सेक्शन, यहाँ पे आ गया कॉनिक सेक्शन। और इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये भाई अपने पास हो गया क्यूबिक क्वेश्चन, यहाँ से क्यूबिक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन 3 or 4 कॉन्सेप्ट आ गया। इसे बोलते हैं सिंगल क्वेश्चन विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब जरा इसकी बात करूँ मैं, कैसे इसको बनाओगे, क्या करोगे आप, तो देखिए क्या करेंगे आप, अब इसको देखो क्या करोगे कैसे, अब इसकी बात करोगे, यहाँ पे हमारे चाहिए -π/2, इसकी बात करोगे दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका जो है रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब नेगेटिव होने के लिए हर हाल में साइन वर्स x2 का वैल्यू -1 होना चाहिए, इसका वैल्यू x2 का वैल्यू। अब यहाँ से लिखूंगा मैं, यहाँ से x1 = x3, और x2 की बात करोगे ये अपने पास आ गया -2, x2 की बात करोगे साइन वर्स x2 हो गया -π/2, तो x2 मस्ट बी -1। ये कंसेप्ट से हमारे पास आधा काम तो हो गया, चलिए यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एक लगभग काम आपके पास आ गया। अब इसकी बात मैं करूँ, देखिए क्या करेंगे आप, अब यहाँ से लाओगे, यहाँ से क्या लाएंगे आप, अब मुझे चाहिए अल्फा, तो अल्फा मैं यहाँ निकालता हूँ आपके पास, अल्फा भाई आ जाइए, अल्फा में एक सर्किल बनाता हूँ बच्चे, देखो तो x1 x2 x3, दिस ऐसे लाओगे। यहाँ पे अल्फा हमारे पास है क्या भाई, अल्फा हमारे पास कुछ नहीं है, अल्फा में हमारे पास है समेशन में x1, ठीक है ना, समेशन में x1ij, दिस वन ये हमारे पास है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये दिस वन आई, दिस जे, दिस के, दिस आपके पास हो गया 1, ये अपने पास हो गया 1, यहाँ से वैल्यू आ गया दिस वन 3। अब इसकी बात जब करोगे तो देखो इसका क्या, इसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या अपने पास करेंगे, इसका वैल्यू x1 x2 x2 x3 लिख सकते हैं आप, ये लिखा आपने इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू लिखोगे तो अब इसका वैल्यू देखो क्या अपने पास आ गया, अब यहाँ से इसका वैल्यू की बात करेंगे, ये अपने पास हो गया, देखो तो फर्स्ट वाला कितना हो गया भाई 1 3 1 2 1 2 हो गया -1 -1 और 1 3 है 1, ये कैंसिल, ये वैल्यू हो गया आपका -1, क्या हो गया, अल्फा बिकम्स -1, अल्फा का वैल्यू हो गया हमारे पास -1। अब इसे ठीक करेंगे आप, अब इसका यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ करना है कोनिक में, अब इसका यूज़ करना है कोनिक, हमारे पास क्या है y²=4 (mod of alpha), ये मोड ऑफ अल्फा 1 हो गया बच्चे, (x), ये कंडीशन हो गया 4x हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब चाहिए क्या, गिवन दैट m1 m2 m3 आर स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल, तो आप नॉर्मल पे हर हाल में याद रखना, नॉर्मल पे क्वेश्चन जनरली आईआईटी में होता है, खास करके पैराबोला के कंडीशन में,
तो नॉर्मल का कंसेप्ट याद करना, क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है वाई का वैल्यू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू होता है, ए हमारे पास क्या है, वन हमारे पास है, यहाँ से हो गया माइनस टू एम और माइनस में एम क्यूब, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। अब ये पास करेगा बच्चे, पास कहाँ से करता है देखो तो, पास करता है थ्री अल्फा से, यहाँ लिखता हूँ मैं थ्रू, दिस पासेज थ्रू थ्री अल्फा, अल्फा अपने पास हो गया माइनस वन, अल्फा कितना है, अल्फा अपने पास हो गया माइनस वन। अब इसको ठीक करें आप, यहाँ से इसका वैल्यू अपने पास आ गया एक्स हो गया थ्री, तो थ्री एम माइनस टू एम माइनस एम क्यूब इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस वन। अब इसको लाओ एक तरफ, एक तरफ लाओगे तो हो गया आपका एम क्यूब प्लस टू एम, सही है, थ्री एम और टू एम, यहाँ एम हो गया अपने पास, ये अपने पास आ गया कितना एम क्यूब माइनस थ्री एम, एम क्यूब माइनस एम दिस वन और माइनस वन दिस इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन बन गया अपने पास। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से रूट्स हमारे पास एम वन एम टू एम थ्री है, यहाँ से रूट्स क्या हो गया एम वन एम टू एम थ्री, ये सब इसके रूट्स हो गए, इस सब इसके रूट्स हो गए। अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, आपको लाना है ऐसे फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम, इसका समीशन लाना है, तो आप परेशान हो जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन में। एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ मैं, क्या मानता हूँ भाई, इसको मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, सपोज करो लेट ऐसे मान लिया। अब इसका फायदा क्या हो गया, एम का वैल्यू हमारे पास आ गया वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, सही है ना, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसी का वैल्यू, अब इसका वैल्यू आप रखिए, आप इसका वैल्यू आप प्लेस करोगे, इसमें रख दो इसका वैल्यू, देखो क्या अपने पास वैल्यू आता है, ये वैल्यू अपने पास आ गया वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, दिस माइनस वन दिस इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो वन माइनस एक्स का होल क्यूब, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और माइनस में वन माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इक्वल्स टू जीरो। फाइनली दिस कन्वर्टेड टू, इसको ब्रेक करो, इसे खोलोगे, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स एंड माइनस वन दिस इक्वल्स टू जीरो। ये अपने पास वैल्यू आ गया बच्चे, यहाँ से अपने पास आ गया प्लस वन, ये अपने पास वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, एक हमारे पास क्या है बच्चे, एक हमारे पास ये, मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। यहाँ लिखता हूँ मैं सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। अब यहाँ से कहो सर यहाँ भी एक्स वन एक्स टू है, पहले भी लिया था आपने, यहाँ से बच्चे मैं कैपिटल ले रहा हूँ, कैपिटल कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू एंड कैपिटल एक्स थ्री, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया माइनस में दिस वन, तो माइनस बी वाई ए, तो माइनस बी वाई ए यहाँ अपने पास हो गया वन और यही आपके पास आंसर हो गया, ये आंसर अपने पास आ गया वन, सही है, ये अपने पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपने पास वन। वेयर एक्स वन का मतलब होता है, एक्स वन का मतलब हो गया वन माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन, ये एक्स वन का मतलब हो गया, और सिमिलरली एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री का वैल्यू आ गया, सही है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा बच्चे, कितना शानदार क्वेश्चन था यार, एक इसी को बोलते हैं मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, इसी को बोला जाता है मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो एक सिंपल सा था, क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन उठाया गया जहाँ से हमने आईटीएफ की बात की, जहाँ से क्यूबिक क्वेश्चन की बात की, जहाँ से कॉनिक सेक्शन में नॉर्मल की बात की, इसे बोलेंगे मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन विथ मल्टीपल कंसेप्ट। तो मेरी कोशिश है हर रोज़ नया नया क्वेश्चन देने की, आप जस्ट रेगुलर वॉच करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को, ओके, और अपना अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके माय डियर। तो लास्टली द वन सिंगल वर्ड, बी क्रिएटिव एंड ज्वाइन क्रिएटिव, हैव अ नाइस डे माय डियर, थैंक यू।